5-6 घंटे के लिए रूम बुक करने का मतलब साहब को पता है। हमारा एक नाम है यहाँ पे सिटी में, इतने सालों से हमने बनाया है वो नाम, पूरा नाम खराब हो जाता है, सेम सिटी से आ जाते हैं लोग। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आप कहीं और देख लो, ये हमारा आदर्श होटल के खिलाफ। बस और नहीं कहना, आप निकलो यार यहाँ से, यार निकलो अभी, बहुत बोल दिया। ये एक फैमिली होटल है और ये सब गलत काम ना तो हम होने देते हैं और ना ही इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। सच बताऊं तो बहुत ही अजीब लगता है, मतलब मुझे थोड़ा अनसेफ सा फील होता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जो होटल मैनेजर होते हैं वो सबसे पहले तो बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, मतलब घूर घूर के देखते हैं वो, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मैं कोई क्राइम करने तो नहीं आया ना, मैं अपने पार्टनर के साथ आया हूँ वहाँ पे, आई एम एन अडल्ट एंड मैं सारी लीगैलिटीज़ जो हैं वो मैं पूरा कर रहा हूँ, बट स्टिल जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो उनके देखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अजीब होता है। दिक्कत कानून में नहीं है, दिक्कत लोगों की सोच में। बहुत प्रॉब्लम होती है, पहले आईडी दिखाओ, फिर आईडी देखने के बाद 1000 क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को पता है इतना कोई बैगेज लाए हो, दिक्कत क्या है उनको, मैं तो उनको पैसा दे रहा हूँ ना। अगर मैं सेम सिटी हूँ, बाहर का हूँ, कहीं का भी हूँ, मुझे तो चेक इन करना है तो मैं चेक इन करूँगा ना, उनको क्या है, उनको तो आईडी दे रहा हूँ ना मैं, वैलिड आईडी है मेरे पास में। लोग कहते रहते हैं कि साथ ही रहना है तो शादी कर लो, तब शादी करके अगर पब्लिक में हाथ पकड़ेंगे चलेगा क्या?